नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज कुछ दिनों से मैं कराची से अपने घर आया हुआ था, छुट्टियाँ थी मेरी, तो आज फिर मैं जा रहा हूँ वापस कराची अपने काम पे। तो अब जो व्लॉग आएंगे मेरे, वो सारे वहाँ कराची के आएंगे, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं काम करता हूँ, जो भी टेलर का काम मेरा होता है ना, वहीं के आएंगे। और आज मैं अपने जा रहा हूँ कराची, काम की छुट्टी थी, छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई है मेरी, और अब मैं जा रहा हूँ कराची, जिसके लिए सारा रेडी है, सामान वगैरह भी मैंने पिक कर लिया है। अभी मैं निकल रहा हूँ कराची के लिए और वहीं कराची में मिलते हैं, और बीच में सफ़र क्या होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और कराची ले जाने के लिए ना मेरी अम्मी ने रोटियाँ तैयार की है, बाजरे की रोटी। तो वहाँ पे जो कारीगर रहता है ना, वो इसी गांव में रहता है, तो गांव 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 से कोई जाता है ना, जब भी कोई वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ लेके जाता है गांव का, बना के यहाँ को मंगवाते हैं। तो मेरे वहाँ पे दोस्त यहाँ के गांव के लोग काम करते हैं, तो उन्होंने रोटियाँ मंगाई है, वो जो अम्मी बना रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और वहाँ पर लेके जाऊँगा वो भी आप लोगों को वहाँ पर भी दिखाऊँगा, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरी अम्मी जो रोटियाँ बना रही है। तो ये बाजरे की रोटी है, और मेरे YT स्टूडियो में देखा था कि 57% फीमेल है। तो आप बहनों में किस किस को बनानी आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किन किन के घर में पकती है ये रोटी, नहीं पकती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो फीमेल है, जो मेरी बहन है, वो भी ज़रूर कमेंट करें, पता चले कि आप लोगों ने ये रोटियाँ बनाई हैं या नहीं बनाई। अभी मेरा सारा सामान वगैरह सारा रेडी हो गया है, और मैंने बैग भी ले लिया है अपना, तो अभी निकलता हूँ मैं अपने सफ़र के लिए। तो बीच में जो भी होता है आपको दिखाऊंगा, वहाँ कराची तक ये व्लॉग जारी रहेगा, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो में। तो मिलते हैं तो यहाँ बस स्टैंड पर। यहाँ से थोड़ा ही दूर है बस स्टैंड, उसके बाद हम बैठेंगे बस में। ये सामने बसें खड़ी हैं, आप देख सकते हैं, और हम यहाँ से टिकट ले लें। ये सामने गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी का हम टिकट लेंगे। ₹800 टिकट है। जी तो दोस्तों, हमने टिकट भी ले लिए और बस में बैठ गए हैं। बस पूरी खाली है अभी तक, और 2 बजे बस यहाँ से निकलेगी, 5 घंटे का सफ़र है।
ये हम कराची में इंटर हो गए हैं अभी। जो सामने नज़र आ रहा है ये कराची सिटी तकरीबन आने वाली है, अभी 1 घंटा लगेगा। अभी हम कराची में इंटर हो चुके हैं, इतनी बड़ी है कि अभी से कराची के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये सामने बसेज आ रही हैं, ये कराची की यूनिवर्सिटी की है। वो तो सूरज डूबने वाला है, शाम होने वाली है, हमें पहुँचते पहुँचते है ना रात हो जाएगी हमें। तो फाइनली ये सिटी के अंदर हम पहुंच गए हैं और रात अंधेरा भी हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। जी तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए कराची के अंदर, और ये अभी मैं जस्ट उतरा हूँ बस से, और आप देख सकते हैं कराची का नज़ारा। ये शाम का टाइम है, अभी अभी मैं रिक्शा लूँगा और जाऊँगा अपनी फैक्ट्री की तरफ। जी तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपनी फैक्ट्री में, और जहां पे मैं अपना काम करता हूं सिलाई का। तो ये देख सकते हैं अभी मशीनें पूरी खाली है। अभी का व्लॉग यहीं तक ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं खाना वाना